गिवन डायग्राम में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक राइट एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है और इसकी एक साइड को एक्सटेंड किया गया है। तो जो एक्सटेंडेड एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल उसे बोला जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ए प्लस 87 जो है वो आ जाएगा 127 के। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 87, तो ए विल बी इक्वल टू 40 डिग्री।